मेरे साथ आज शीतल मैम जुड़ रही है। शीतल मैम बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आपने। शीतल मैम के बारे में मैं एक चीज बताऊं, आज शीतल मैम का जन्मदिन भी है, तो पहले तो आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप मैम, जब आपका जन्मदिन आता है तो लोग आपको क्या विश करते होंगे, क्योंकि आपका जब किसी और का जन्मदिन आता है ना तो न्यूमरोलॉजी से तुरंत पता कर लेते हैं, अच्छा मैडम ये साल ठीक जाएगा ना हमारा, इसमें हमको फायदा होगा नहीं होगा, घर खरीद लें कि नहीं खरीद लें, अच्छा घर में ऐसा कुछ कर लें नहीं कर लें, इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें, सब कुछ कुछ ना कुछ आप ऐसा बताते ही होंगे किसी ना किसी को, तो है ना। जब आपका जन्मदिन आता है तो आपको लोग क्या बताते हैं, जब आपका जन्मदिन आता है तो मुझे लोग टिप्स मांगते हैं कि अगले साल तो कौन सा स्टॉक बढ़ेगा। अच्छा ठीक है, तो आपसे ऐसे पूछते हैं कि अगले साल और कौन सा स्टॉक बढ़ेगा, ठीक है डन। अच्छा मैम, फिर मैं अभी यही काम मैं भी कर लेता हूँ, जब सब लोग आपसे यही पूछते हैं ना कि अगले स्टॉक कौन कौन से बढ़ेंगे, तो ये काम हम भी कर लेते हैं, अगले हफ्ते के इस महीने के कुछ भी जो आपकी रीडिंग हो, इंटरेस्टिंग रीडिंग हो, आप हमको बता दीजिए। ओके, आपको तो पता है मैं फंडामेंटल्स पर ज्यादा बिलीव करती हूँ, तो काफी सारे फंडामेंटल्स अगले हफ्ते अगर आप देखोगे तो आईआईपी अप्रैल के आंकड़े आने वाले हैं, फिर मई 2021 के सीपीआई और वीपीआई आंकड़े पर ध्यान देना पड़ेगा नेक्स्ट वीक। मीडिया स्टॉक बहुत अच्छे रहेंगे क्योंकि अभी काफी सारी चीजें अनलॉक हुई है और काफी सारी जगह से अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारा खर्चा कम हुआ है मार्केटिंग पे, तो हो सकता है वो खर्चा करेगी तो मीडिया के लिए आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि एडवर्टाइजिंग बढ़ेगी। एसबीआई कार्ड बहुत अच्छा रडार पे है, टिकटॉक वापस शुरू कर दिया है मिस्टर बिरेन ने वहां पे, तो हो सकता है उस रिलेटेड स्टॉक्स भी बढ़ सकते हैं। देन यस डेफिनेटली अगर बर्थडे रिलेटेड आप मुझे स्टॉक पूछोगे तो आज मैंने आईएसईसी में इन्वेस्टमेंट किया है। मैं एवरी बर्थडे अपने बर्थडे पे या फिर मेरे पूरे फैमिली के जब भी बर्थडेज होते हैं तो मैं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करती हूँ, तो आज का मेरा स्टॉक है आईएसईसी में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का स्टॉक लिया, आज ही लिया मैडम 620 रुपए पे? नहीं सर, मैं थोड़े दिनों पहले से ले रही हूँ, बट आज और थोड़ा बढ़ा लिया है मैंने, और आज वो आज उसने मुझे सुबह जब मैंने खरीदा तो आज मुझे उसने प्रॉफिट भी दिया है। और अगर आप देखोगे तो अगले हफ्ते मेटल स्टॉक भी अच्छे रहेंगे, फार्मा तो हम लोग देख ही रहे हैं काफी अच्छा है। देन अगर आपको बिलीव नहीं होगा तो अडानी ग्रुप आप देख ही रहे हो लास्ट वीक से, लास्ट 15 डेज से, बट एक्चुअली फंडामेंटली और वो ग्रुप स्टॉक हो सकता है बिकॉज अहमदाबाद, लखनऊ, गुवाहाटी, मैंगलोर, जयपुर, तिरुवनंतपुरम, इन सबके साथ इन लोगों ने, और मतलब लाइक मुंबई एयरपोर्ट के साथ तो इन्होंने 74% स्टेक खरीद लिया है फॉर मेंटेनेंस के लिए, तो और ये लोग अभी अडानी बिजनेस एंटरप्राइजेस को अलग कर रहे हैं और इनका नाम रहेगा अडानी होल्डिंग्स, तो आप लोग उसके ऊपर भी ध्यान दे सकते हो। रही बात निफ्टी की, आप तो देख ही रहे हो मतलब क्या हालत कर दी है मार्केट की, साइकोलॉजी आप सोच रहे हो कब नीचे आएगा कब नीचे आएगा, और कभी कोई नीचे आने का कोई चांस ही नहीं है। तो यस 15,737 कल का क्लोजिंग था, नेक्स्ट वीक हम लोग 15,980 तक जाने की गुंजाइश रख रहे हैं, हाँ बट डेफिनेटली 15,690 का स्टॉप लॉस माइंड में रखिए, और नीचे की अगर लेवल में आपको बात करूं तो 15,524 के आसपास हमें एक बार नीचे में दिख सकता है। ठीक है, मतलब मैं निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछूं तो 500 के नीचे ज्यादा गिरेंगे नहीं, और अभी हम 16,000 से थोड़ा दूर रहने वाले हैं। आप ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक ना तो 16,000 आएगा ना ही 15,500 टूटेगा, यानी कि अगला हफ्ता इसी तरह से जिटरी रहने वाला है, 100-200 पॉइंट ऊपर तो 100-150 पॉइंट नीचे, आप मौका फ्रस्ट हो जाइए, शब्द गंदा है बट मार्केट के अंदर अच्छा चलता है, दैट इज कॉल्ड मौका फ्रस्ट। आप अपॉर्चुनिटिस्टिक हो जाइए, आपको जहां जहां मौका मिले प्रॉफिट बुक करते जाओ, जहां जहां मौका मिले आप यहां से निकलते जाओ। ठीक है शीतल मैम, ये तो बहुत बढ़िया, मैं एक बार फिर से आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, आपकी जो हमने यहाँ पे शुभकामनाओं का एक बैनर भी लगाया है, साथ ही मैं नीचे देख रहा हूँ आपकी एक किताब भी है, ये 2021 के अंदर बेस्ट सेलर बुक और एक किताब है, ये मेरे को लग रहा थोड़ा मराठी में तो मैं ज्यादा इसको अच्छे से बोल नहीं पाऊंगा, पढ़ भी नहीं पाऊंगा, तो आप ही मेरे को बता दीजिए ये किताब क्या, और ये आप ऊपर 24 क्यों लिखते हैं, आपकी हर जगह पे 24 क्यों लिखा होता है ये?
यस सर, डेफिनेटली 24 लकी फॉर एवरीवन. आपको तो पता है हम लोगों का इसके ऊपर डिस्कशन भी हुआ है. हम लोग लेफ्ट हैंड पे 24 लिखते हैं. दिस इज द नंबर ऑफ जुपिटियर और यस डेफिनेटली वो जुपिटियर का नंबर है और ये मेरा बुक बेस्ट सेलर हो गया है अमेजोन. और आज थैंक्स टू यू कि आपने मुझे इनवाइट किया, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज मैं इसकी हार्ड कॉपी भी प्रेजेंट कर रही हूँ. सो ये हार्ड कॉपी आज से लॉन्च हुई है. अभी तक ये ई बुक था अमेजोन पे, अभी आज से ये हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल होगा एवरीवेयर. और ये नेक्स्ट 15 डेज में मैं इसकी इंग्लिश वर्जन भी दे रही हूँ. सो आनंदी जीवनाची गुरु की ली ये बुक हम लोग जल्दी इंग्लिश में भी मिलेगी. क्योंकि अच्छा, इसका मतलब क्या होता है आप हिंदी में ये तो बता के जाइए मैम, इसका मतलब क्या है हिंदी में, क्या है अपने मराठी में जो इसका नाम रखा है? लाइक हैप्पीनेस, मतलब लाइक आप जब खुश होते हो तो उसकी सीक्रेट्स इसमें दी है. काफी सारी रेमेडीज मैंने इसमें दी है. इसमें वास्तु से लेके, स्टॉक मार्केट से लेके, बच्चों की स्टडीज से लेके, इवन आपकी कार के एक्सीडेंट्स रेगुलरली हो रहे हैं तो उसके कलर से लेके बहुत छोटी छोटी चीजें इसमें दी है. सो यस, बहुत अच्छी बुक और काफी अच्छे रेफरेंस. जब आप सोच ही रहे हो कि 2021 का बेस्ट सेलर बुक हुआ है, तो यस हार्ड कॉपी भी मैं इसीलिए मैं हार्ड कॉपी अवेलेबल करने की कोशिश कर रही थी. और यस आज बर्थडे के दिन लॉन्च कर रही हूँ. थैंक यू वेरी मच. आपने आज समय निकाला, आपका व्यस्त शेड्यूल है, मेरे को पता है आपको रात को 12 बजे से लगातार कुछ ना कुछ आ रही होंगी चीजें. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए. शीतल मैम के साथ हम आगे भी जुड़ेंगे, ना केवल सिर्फ जन्मदिवस की तरफ उनसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल लो. हम आगे भी शीतल मैम से जुड़ने वाले हैं. आई होप अच्छे से मैम से भी चर्चा होगी आगे चल के, कुछ और बेहतरीन बेहतरीन चीजें भी उनसे पता करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मैम शीतल मैम, आज आपने समय दिया. आपने बताया मीडिया स्टॉक्स, SBI, एंटरटेनमेंट से जुड़े स्टॉक्स, ये आपके सब काम आने वाले हैं. मेटल स्टॉक्स में भी कुछ एक अच्छे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं और अडानी होल्डिंग्स के अंदर भी आपने अभी से बता दिया कि एक अच्छा पॉइंट आपको मिल जाएगा. गुड वन थिंग, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच आज आपने कार्यक्रम कर. बहुत अच्छा लगा आपसे भी बहुत दिनों बाद बात करके. थैंक यू फॉर बर्थडे विशेस सर. थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस. तो हम शीतल मैम से चर्चा कर रहे थे और साथ ही साथ हमने उनसे ये भी पता किया कि अलग अलग सेक्टर